स्टडी आई क्यू माई नेम इज अमित किलोर एंड इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से रिलीज हुआ है आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिटेट पॉलिसी दैप्टर विच कम्सर फंडामेंटल राइट वो करेंगे पिछले आठ लेक्चरों में हमने लक्ष्मीकांत जो कि एट हंड्रेड पेजेस की बुक है उसके पिछले आठ लेक्चर्स में हमने अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड एंड टेन पेजेस कंप्लीट कर लिए ज हाउट वर्क राइट आज का जो हमारा पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन uh, का जो पार्ट फोर है विच इज ऑब्वियसली टाइटल प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दैट वुड बी दी पर्पस ये वाला जो चैप्टर है हम लक्ष्मीकांत सेवन थर्टी ठीक है नाउ फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में दिए गए हैं राइट फ्रॉम आर्टिकल नंबर ट्वेल्व टू थर्टी फाइव आई थिंक दैट आर दैट वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ इसके बाद फंडामेंटल राइट के बाद आता है पार्ट नंबर फोर फोर्थ विच इज कॉल्ड एज द डीपीएस डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी आइडिया बेसिकली इंडियन सिटीजन को पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है हाउ डू वी डू इट हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट लिख हुए हैं और इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड किए हुए हैं पार्ट फोर्थ के अंदर नाउ द नेम रिमेंबर कि किसी भी चीज को अगर हम समझना चाहते हैं तो अगर हम उसके नाम को अगर उसके नाम का मीनिंग समझेंगे तो वी माइट एक्चुअली गेट एग्जैक्ट आइडिया अबाउट इट देखो इसको कहते हैं डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है उसको <coughs> उसके लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और जो डायरेक्शंस है मतलब स्टेट पॉलिसी किस डायरेक्शंस में जानी चाहिए

Exactly एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ के अंदर डीपीएसपी करते हैं दे आर बेसिकली सर्टन प्रिंसिपल जिनके बेसिस पे स्टेट को अपनी पॉलिसी की डायरेक्शन बनानी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने ये आइडिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बेसिकली स्पैनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था ठीक है सो इफ आस्क यू कि वेर हैव वी बोरोव द आइडिया ऑफ द डीपीएसपी फ्रॉम वेल वी हैव इट फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बट हां इसके पीछे

तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कह रहा होगा मतलब कि एक्सेप्ट पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर एंड मैं दो चीज़ और ऐड कर देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द प्रीएम्बल इन चारों चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे ना तो उसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं प्राइम मिनिस्टर ऐसे बनना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसे बनना चाहिए प्रेजिडेंट ऐसे बनेंगे डी पी क्या नाम है स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे होंगे हाई कोर्ट ऐसे मतलब दे आर जस्ट क्लियर कट रिकमेंडेशन एंड क्लियर कट डेक्शन्स कि ये काम कैसे करना है उसके सारे के सारे क्या नाम है उसके अंदर कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये जो दो हैं इसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल या स्पिरिट काइंड ऑफ है फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन भी होती है तो फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी हैज बीन कॉल्ड एज दी फिलोसफिकल पार्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड समटाइम्स इट हैजिन ऑल्सो बिन डिस्क्राइब एज द सोल एंड दंसाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो डीपीएसपीज़ और फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं एंड इट हैज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ आई नो आई थिंक सम ऑफ यू वेबली सीन इट कि कल हमने जब आर्टिकल में सॉरी कल हमने जब फंडामेंटल राइट्स किए थे आर्टिकल नंबर थर्टी टू अब आर्टिकल नंबर थर्टी टू को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही मेड अ पर्टिकुलर फ्रेज ही यूज अ फ्रेज फॉर दैट आर्टिकल की आर्टिकल थर्टी टू हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है आर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यहां पर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है तो ये जो वर्ड है ये सारे के सारे मेटाफोरिकल वर्ड्स हैं इन मेटाफोरिकल वर्ड्स का अपने अपने कॉन्टेक्ट में मीनिंग होता है मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं कि यूपीएससी कभी ना कभी इस वर्ड पे कुछ ना कुछ प्ले कर सकता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है लेट्स से इफ दे डू आस्क यू व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाए तो आप हमेशा कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट right, प्लस डीपीएसपी सोल होते हैं बट देन अगर किसी ने स्पेसिफिकली नाम से पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? हैव टू पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई आर्टिकल नंबर थर्टी को कहा था चलिए डीपीएसपी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते थोड़ा सा कमिंग टू दिस अब आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक दिए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ठीक है अगर आप एक बार चाहते हो तो इसको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं एंड इफ वी कैन रीड दिस वन कंप्लीटली तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है मतलब कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चीजें सी इसके अंदर ना ऐसे नॉर्मल चीजें लिखी हुई है जैसे कि आर्टिकल फोर्टी में लिखा हुआ है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स सो इसका सिंपल मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए लिविंग वेजेस उपलब्ध कराए एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है दैट इज इट उसके बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड ऑफ पब्लिक हेल्थ मतलब कि स्टेट की ड्यूटी होती है कि लोगों की लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए और पब्लिक हेल्थ की रिस्पांसिबिलिटी लेट सो ऑन एंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विलेजेस में पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कंप्लीट सेपरेशन हो एक दूसरे से ओवरलैप ना करे यू गेट दी आइडिया कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 के बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट बेसिक इंस्ट्रक्शन है और वो हमें बस बेसिकली सिंपल सिंपल उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना होता है जिसको भी ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन याद हो गई डीपीएसपी का पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कोई थॉट या uh, क्या नाम है ऐसी चीज नहीं होगी जो कि तुमको बाउंस कर सकती है एग्जाम के अंदर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है हमारा ठीक है इक्वल जस्टिस एन द फ्री लीगल एड है ना स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि सबको बेसिकली न्याय मिल सके और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसको लीगल एड भी बेसिकली फ्रीली अवेलेबल कराई जा सके ये है अब हमें ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं एक एक करके पढ़ने हैं ये जो अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे उनकी अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ लेना है और फंडामेंटल राइट्स और डी का रिलेशन क्या है उसके बारे में पढ़ना है एंड वी विल बी डन विद द चैप्टर इट इज अ संडे सो आई एक्चुअली चोज अ वेरी सिंपल चैप्टर ताकि हम उसको आसाम से कर सके डी के कितने फेसेट्स हैं सबसे पहले डी के फीचर्स है ना हर एक चीज के फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के डीपीएसपीज के फीचर्स करने हैं इनका क्रिटिसिज्म कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म और इनकी यूटिलिटी मतलब भाई क्रिटिसिज्म के बाद एक बात को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है अगर हम किसी चीज की कमी बता देते हैं सो वी ऑब्वियसली हैव टू टेल देन इट इज देयर राइट हमने डीपीएसपी बट क्रिटिसिज्म करने के बाद हमें यह बात भी रियलाइज होगी कि इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्रिटिसिज्म में जो पॉइंट्स उठाए हैं वो वैलिड है देन वाई इज इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेल उसके बाद हमें उसकी यूटिलिटी भी बतानी पड़ेगी डी के साथ एक इंटरेस्टिंग बात है दे आर नॉन जस्टिशियबल क्या है नॉन जस्टिशियेबल इन कॉन्टेक्सट ऑफ द लाइक इन रिलेटिव इन क्या कहते हैं कंपैरिजन विद द फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स जस्टिशियेबल होते हैं एंड डी पी नॉन जस्टिशियेबल होते हैं विच जस्ट मीन्स कि अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो तो हम कोर्ट जा सकते हैं वेर इज अगर डी पी वायलेट हो या पूरे ना हो तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं देर आर अदर वेज टू मेक इट इम्प्लीमेंट बट यू के नॉट गो टू द कोर्ट दैट इज़ वर्ट द वर्ड जस्टिशियेबल मीन्स तो अगर ये चीज़ नॉन है पी को इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो फिर इनको सैंक्शन कहां से मिलती है वट एग्जैक्टली इज देंशन फंडामेंटल राइट्स को तो सैक्शन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है राइट कॉन्स्टिट्यूशन सेंटिफाइज की दीज आर फंडामेंटल राइट टू बी प्रोटेक्टेड वट्स उसको वो जस्टिशियेबल है ही नहीं ठीक है दूसरा क्लासिफिकेशन Uh, जैसे फंडामेंटल राइट्स की क्लासिफिकेशन है इक्वालिटी उसके बाद फ्रीडम uh, वाली फंडामेंटल राइट right, फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर माइनॉरिटी uh, के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज छह फंडामेंटल राइट्स हैं उसी प्रकार से डी की क्लासिफिकेशन और नए डी यानी कि जो डी बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं फिर डी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हाउ दैट हैज़ बीन सोल्ड एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डी एंड द फंडामेंटल राइट्स लाइक हु इज़ सुपीरियर क्या डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बेसिकली फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉ दैट वुड बी आंसर एट द एंड ऑफ द क्लास यू टेल मी राइट नाउ इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक हु इज मोर सुपीरियर हु इज बेटर हु इज मोर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी अगर सही बताया तो फॉलो बैक मिलेगा इंस्टा पे राइट फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो so, किसी भी चीज को समझने से पहले हमें एक बार उसके फीचर्स पढ़ लेने चाहिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले ही उसके फीचर्स पढ़े थे सिमिलरली हैपन विद द फंडामेंटल राइट्स आल्सो सो सारे के सारे डीपीएसपी को अगर एक जगह पे रख दिया जाए तो अब अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो डी होता है क्या देखो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये जो फ्रेज हमने यूज किया गया है ये वो आइडियल्स वो प्रिंसिपल्स हैं है ना वो पॉइंटर्स हैं बेसिकली जो कभी भी स्टेट को यानी कि पार्लियामेंट को या फिर बेसिकली गवर्नमेंट को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब भी वो लॉज बनाए या पॉलिसीज बनाए इट लिटरली मीन्स द डायरेक्शंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राइट जिस डायरेक्शन में उनको अपने लॉज बनाने हैं देश को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो जब भी गवर्नमेंट किसी डायरेक्शन में कुछ सोचे कुछ लॉज बनाए किसी के लिए कोई पॉलिसी बनाए तो उनके दिमाग में बेसिकली ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स एक्चुअली में होने चाहिए दे आर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट अगर वर्ड के बारे में बात करें दे आर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रेकमेंडेशन ऑल्सो वाई वी आर इट सेंगे बिकॉज दे आर नॉन जस्टिशियेबल लाइक फंडामेंटल राइट इज नॉट अ अरेकमेंडेशन दैट इज अ लॉ

कि वो इन स्टेट ये जो डीपीएसपी हैं इनको अपने दिमाग में रख के काम करें अब आर्टिकल 36 सिक्स द टर्म स्टेट हैज द सेम मीनिंग जो कि पार्ट थ्री में है आई थिंक ये मैंने आपको बताया था हमने जब फंडामेंटल राइट किया था तो आर्टिकल नंबर ट्वेल्व के अंदर डिफाइन uh, किया गया है व्हाट इज अ स्टेट एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है जो स्टेट की डेफिनेशन है दैट इज बेसिकली एप्लीकेबल ओनली टू पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर ठीक है इस चीज को रियाइट्रेट करते हैं आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स में आर्टिकल थर्टी सिक्स सिर्फ ये कहता है कि स्टेट जब भी कहीं पे डीपीएसपी में लिखा हो ना वर्ड लिखा हो स्टेट उसका मतलब वही है जो कि आर्टिकल नंबर ट्वेल्व में दिया हुआ है तो लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल स्टेट ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन दी कंट्री वो हमने कर ही लिया था आर्टिकल ट्वेल्व क्या कहता है स्टेट क्या होता है भाई पार्लियामेंट इज ए पार्ट ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज अ स्टेट सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेचर सारे की सारी स्टेट गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द स्टेट लोकल बॉडीज जो है लोकल अथॉरिटीज जो है वो सारे सारी की सारी स्टेट के पार्ट अंदर होती है एनी इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट एनीथिंग दैट वर्कस फॉर द स्टेट जिसको वो स्टेट फाइनेंस कर रही हो ऐसी कोई बॉडी वो भी स्टेट होती है द प्राइवेट बॉडीज विच हैव पब्लिक फंक्शन ऑल्सो कुड बी स्टेट राइट डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है नहीं करती है

इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए शब्द को एक बार दोबारा से जोर से बोलिए दिमाग में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नी ट्राई टू इमेजिन इट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सिनोनिम फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी राइट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब एक लिस्ट है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट पॉलिसी के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई है एग्जैक्टली exactly. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हंड थर्टी फाइव में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था उसी को बेसिकली हमने अडोप्ट कर लिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्लियर डिट कि डी पी एस पी जो हैं दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वर इशूड टू द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट राइट गुड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अब 1935 में जो गवर्नमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे वो गवर्नर जनरल के लिए थे मतलब देर वर लिस्ट इंस्ट्रक्शंस थी जो कि गवर्नर जनरल और जो उस समय जो प्रोविंसेस थे उनके गवर्नर्स को फॉलो करनी पड़ती थी बट दीज आर जनरली फॉर द स्टेट सिर्फ और सिर्फ हमने नाम बदल दिया है ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम देर दो इंस्ट्रक्शन पर मेंट फॉर द गवर्नर्स एंड द गवर्नर जनरल्स हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के लिए बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस हैं ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट ठीक है आइडिया यही है कि अगर हम सारे के सारे डीपीएसपीस को पढ़ेंगे सो so उनका जो एंड गेम है जो एंड पर्पस है वो इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल तीनों के तीनों फेसेट्स को फिल करता है कि किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशली इकोनॉमिकली एंड सो ऑन एंड ऑन चलिए इन द दिबल्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट नॉट ऑफ पुलिस स्टेट वेलफेयर स्टेट क्या होती है वेलफेयर स्टेट वेयर द स्टेट द गवर्नमेंट एज सच पार्टिसिपेट्स एंड एक्टिवली प्रो एक्टिवली डू एक्शंस जिससे बेसिकली लोगों का वेलफेयर बढ़े समथिंग जो कि गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल्स uh, की ह्यूमन सिटीजन uh, होती है उनकी सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करे दैट इज कॉल्ड एज ए वेलफेयर स्टेट हमारे डीपीएसपीज़ जो हैं वो सारे के सारे जो डीपीएसपीज़ हैं वो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं दे प्लान टू दे इंटेंड टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड दोशल डेमोक्रेसी दे प्लान टू इंटेंड टू डू द

दे आर फंडामेंटल इन दवर्नेंस ऑफ दंट्री एंड स्टेट की ड्यूटी होती है कि लॉज बनाते वक्त इन प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए देखो ये जो नॉन जस्टिशल वाला आई गिव यू स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक हमने एस पी देखा जहां पे दिखा हुआ था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा दे और लोगों में न्यूट्रिशन बढ़ाए ना द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल लॉज रिलेटेड टू दैट ठीक है तो गवर्नमेंट ने उस प्रिंसिपल को फॉलो किया है एज अ स्टेट पॉलिसी उसके ऊपर लॉ बनाए हैं एंड द एग्जीक्यूटिव हैज इंप्लीमेंटेड दो लॉज बट देन एक डीपीएसपी आर्टिकल 44 कहता है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ये फंडामेंटल राइट right नहीं है ये डीपीएसपीज है मतलब कि ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है पिछले सत्तर पिछहत्तर सालों में बट उसके बावजूद भी इसके लिए कोई कोर्ट नहीं गया है इसके लिए कोई कोर्ट जा नहीं सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी नहीं की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट ये रेकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो रेकमेंडेशन है अगर वो चाहें तो कर सकते हैं अगर उनके पास कंसेंसस हो अगर उनका मन हो तो वो कर सकते हैं हवेवर बट बीपीएस होने की वजह से वी एनी बडी एल्स इन कंट्री कांट कंपेल टू डू इट मतलब कि वी नॉट मेक देम फोर्स देम नहीं कर सकते हम उनको कोर्ट जाके दैट इज वट द डिफरेंस बिटवीन द जस्टिशियबिलिटी एंड द नॉन जस्टिशियबिलिटी इज एंड डायरेक्टिव है नॉन जस्टिशियबल नो डाउट अबाउट इट बट जरूरत पड़ने पर कोर्ट इनको यूज कर सकती है किसी की लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी कहा है कि अगर कोई ऐसा लॉ हो जो कि बेसिकली किसी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए हो तो हम उसको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मान सकते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9 के अगेंस्ट 19 के अगेंस्ट नॉट 9 आर्टिकल 19 के अगेंस्ट व्हाट इट टू से देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है आर्टिकल 13 कहता है कि एनी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा वुड बी डिक्लेयर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फाइन सेकेंड डीपीएसपी जो हैं वो, है वो अनॉन जस्टिशियेबल है बट सुप्रीम कोर्ट एज सेड कि कोई लॉ अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है एंड इन दैट परस्यूट अगर हाइपोथेटिकली वो आर्टिकल 14 को या आर्टिकल 19 को वॉयलेट करता है तो हम उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मान के उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल बोल देंगे दैट वुड बी कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अभी आगे आएगा क्या नाम है थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी के कॉन्सेप्ट में बट यू गेट दी आइडिया फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स चलिए क्लासिफिकेशन अ फंडामेंटल राइट्स की जो क्लासिफिकेशन है छह प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ हमारे संविधान में डी की क्लासिफिकेशन नहीं है लाइक इट इज नॉट क्लासिफाइड बस रैंडमली लाइन से लिखे हुए हैं 39 से लेके 51 तक बस आर्टिकल लिखे हुए ठीक है एकेडमिकली उसकी कुछ क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डेट बट उनके कंटेंट के बेसिस पर आ, उनको क्लासीफाई कर दिया गया है तीन तरीके से तो किसी भी किताब में पढ़ोगे तो अकेडमिकली तीन क्लासीफिकेशन दी जाती हैं एक तो होती है सोशलिस्टिक एक होती है गांधियर और एक होती है लिबरल इंटेलेक्चुअल नव रिमेंबर कुछ बुक्स के अंदर कभी कभी चौथी क्लासिफिकेशन भी होती है मिसलेनियस कुछ बुक के अंदर आ, एक क्लासिफिकेशन होती है इंटरनेशनल ठीक है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दैट लक्ष्मीकांत में तीन दी हुई हैं तीन याद करो कभी गलती से कहीं पे आपने किसी दूसरे फ्रेंड की बुक में कि आपने देखा कि पियर्सन की बुक में तो सर पांच दे रखे थे चार दे रखे थे तो पैनिक मत करना और ये मत सोचना फोमो मत ले आना दिमाग में कि ओ oh गॉड वो वाली किताब में ज्यादा लिखा हुआ है भाई उसको पढ़ना जरूरी है मैटर यूपीएससी और द द पीपल सेटिंग एग्जाम दीपुलटिंग दोज दिस इज नॉट अ कंसर्न इसकी कोई खास चिंता की कोई आवश्यकता है नहीं तो आराम से आप बिना चिंता के सिर्फ तीन याद करेंगे सो so, हमारे डीपीएसपी आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन से थर्टी एट से लेके फिफ्टी वन तक टोटल तीन भागों में डिवाइडेड है ठीक है एक तो ऐसे प्रिंसिपल जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है और एक ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि आइडियाज से हैं और देन देर आर सम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वो होंगे जो कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते होंगे दी आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म सोशलिज्म क्या होता है सोशलिज्म इज समथिंग वेयर द स्टेट द गवर्नमेंट एज सच टेक्स सर्टेन स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल दैट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म, ठीक है? मतलब कि स्टेट जो है इन सर्टेन मैनर्स इकॉनमी को कंट्रोल करती है इकॉनमी के एक पार्ट को कंट्रोल करती है और स्टेप्स लेती है uh, जो डाउन रॉडर है जो अंडर प्रिवलेज उनको बेसिकली हेल्प करने की इन चीजों को कहा जाता है जनरली सोशलिस्टिक इससे इससे एसोसिएटेड जो आइडियाज होंगे दोज तो अभी हम जब ये डी पी एस पीज देखेंगे आर्टिकल थर्टी एट थर्टी नाइन थर्टी नाइन ए फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री और फोर्टी थ्री ए एंड फोर्टी सेवन का फर्स्ट पार्ट ये जो सारे के सारे डीपीएसपीज हैं ये ऐसे डीपीएसपीज हैं जो कि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है एक एग्जाम्पल देते हैं आर्टिकल नंबर थर्टी एट का आर्टिकल नंबर थर्टी एट कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पॉलिसी होनी चाहिए टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटिड बाय जहां पे उनको न्याय मिल सके सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इक्वालिटीज इन इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड द अपॉर्चुनिटीज सोशलिज्म का मतलब कि समाज की जो जो समाज की दौलत है वो सबको बेसिकली इक्वली बिलोंग करती है एंड द स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर थर्टी एट शैल एक्चुअली ट्राई कि बेसिकली हर एक इंसान को नया मिल सके तीनों प्रकार का बेसिकली सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और जो इनइक्वालिटीज होती हैं इनकम में स्टेटस में फैसिलिटीज में अपॉर्चुनिटीज में उनको बेसिकली मिनिमाइज करें स्टेट शुड टेक सम सर्टेन स्टेप्स टू मिनिमाइज दैट राइट सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी का ये प्रिंसिपल है और इसी को बेसिकली हमारे डीपीएसपी में पहला डीपीएसपी है आर्टिकल थर्टी एट का देन आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन टू सिक्योर द राइट टू द एडिक्वेट मीन ऑफ द लाइवलीहुड फॉर ऑल दाइवलीहुडन है ना हर एक नागरिक को बेसिकली लाइवलीहुड बनाने का अधिकार हो और मिले उनके पास तो पहले एक बार आगे पढ़ने से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के ये तीन ये देख लेते हैं सोशलिस्टिक गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल ना यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट आपको पूरा स्ट्रेस नहीं लेना है कि सर मुझे याद करने पड़ेंगे कि गांधीयन कौन से हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं सोशलिस्टिक कौन से हैं यूल बी एबल टू डू इट इन uh, तीनों की जो क्लासिफिकेशन है इफ यू अंडरस्टैंड दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ गांधी सोशलिज्म द लिबरल इंटेलेक्चुअल तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे याद नहीं होने पे, देखो गांधीयन वाले सबसे आसान है ठीक है पता चल जाएगा विलेज पंचायत से रिलेटेड होंगे अल्कोहल से रिलेटेड होंगे कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे गांधीजन जो आइडियाज हैं वो बहुत ही बेसिक है कॉमन है तो वो आसानी से निकल जाएंगे उसके बाद सोशलिज्म भी इजीली आइडेंटिफाइबल होगा बाकी बच्चे भी ऑटोमेटिकली लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे एक एक करके करते हैं फिर देखते हैं चलिए आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन के अंदर

कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करने से रोकना चाहिए इन दोनों को ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट है अगर कोई दो डीपीएसपी सबसे इंपॉर्टेंट है तो कौन से हैं दीज आर दी दर्टी नाइन बी एंड थर्टी नाइन सी ये दोनों के दोनों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी हैं इनको थोड़ा ध्यान से इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ट्राई टू शाउट दम लाउड इन योर माइंड थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी ये कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड डू इट ताकि जो कॉमन गुड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सोसाइटी के अंदर द फर्स्ट वन द सेकंड वन इज दैट कि किसी भी मतलब गवर्नमेंट uh, को रोकना चाहिए कि जो वेल्थ है वो कुछ सिंगल हैंडेड में uh, क्या नाम है कॉन्सेंट्रेट ना हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ ही हैंडेड में कॉन्सेंट्रेट ना हो ना यू वुड एक्चुअली सी कि जनरली आजकल जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो होती जा रही है प्रोडक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो इज गवर्नमेंट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर डी पी दिस इज नॉन रिमेंबर सो इट कैन बी कंपेल्ड टू बी फॉलोड एंड ओवर पीरियड ऑफ द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो नाइनटीन फिफ्टी से लेकर नाइनटीन नाइनटीज तक इंडिया डिड हैड वेन इट कम्स टू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल हमारा थोड़ा सा जो इनक्लिनेशन था वो सोशलिज्म की तरफ था लेकिन नाइनटीन के बाद वेन वी अशर्ड इन द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म विच ऑज कॉल्ड इज द एल पी जी राइट प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये जो वाले रिफॉर्म्स थे उसके बाद हमारा जो इंक्लीनेशन सोशलिज्म की तरफ था वो हमने वहां से लेके अब हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ बेसिकली uh, क्या नाम है इंक्लाइन कर चुके हैं हमारी जो प्रोकलिविटी है वो कैपिटलिस्टिक आइडियाज की तरफ ज्यादा है सो दीज टू आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इनकी रेलिवेंस आती है फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में uh, वैसे अभी के लिए पॉइंट को ध्यान रखना कि ये फंडामेंटल राइट्स से के रिलेशन में भी इंपॉर्टेंट है बाकी हम बाद में बात करते हैं ठीक है सो थर्टी नाइन डी में कुछ कुछ थर्टी uh, नाइन में ऐसे लिखा हुआ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन और वुमेन अगर महिलाएं और पुरुष जो है इक्वल काम करें तो उनको बेसिकली पैसे भी इक्वल मिलने चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली सोशलिस्टिक स्टेट शुड एक्चुअली नाइन ए में लिखा गया है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्वल जस्टिस को प्रमोट करें और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए ये डीपीएसपी है यह नॉन जस्टिसबल है ठीक है लेकिन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है इस प्रिंसिपल की वजह से इस प्रिंसिपल को दिमाग में रख के गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड एनी लीगल एड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम प्रोवाइड लीगल एड यही इन डी की इंपॉर्टेंस है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंस कि जरूरी नहीं है ये नॉन जस्टिशियबल हो लेकिन इनको दिमाग में रख के लेजिस्लेशन की जाती है और ऑलमोस्ट हर एक डीपीएसपी पे कर भी रखी है सब पे कर रखी है एंड टू सिक्योर द राइट टू वर्क आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट टू वर्क सिक्योर किया जाए हर एक इंडिविजुअल को जॉब मिल सके टू एजुकेशन किया जाए टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड द डिसेबलमेंट आपने गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स uh, के बारे में सुना होगा अनएम्प्लॉयड लोगों को क्या नाम है बेरोजगारी भत्ता मिलता है ओल्ड एज पेंशन देती है गवर्नमेंट जो स्कीम्स देती है सिकनेस में गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है अगर इंडिविजुअल डिसेबल हो जाता है फिजिकली डिसेबलमेंट हो जाती है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम मनी और सम काइंड ऑफ है हेल्प और एड वाई व्हाई डू दे डू इट बिकॉज दिस इज ए डी और गवर्नमेंट टेक्स क्योंकि ये ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सो ऑन एंड ऑन एंड देन देर आर दिस वन आर्टिकल फोर्टी टू आर्टिकल फोर्टी टू में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ह्यूमेन वर्क कंडीशन स्टेब्लिश करें और मेटर्निटी रिलीफ दिया जाए राइट right? एंड अपने अब सोच के देखोगे कि तुम्हें पता चलेगा हाँ सर इससे रिलेटेड लॉज एक्जिस्ट करते हैं मेटर्निटी रिलीफ से मेटर्निटी oh, बेनिफिट है, मिलते हैं मेटर्निटी क्या नाम है पेड लीव मिलती है देन आर्टिकल फोर्टी थ्रू कहता है टू सिक्योर ए लिविंग वेज अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जनरली जब भी वर्ड वर्कर देखो तो समझ लेना कि वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बेनिफिट और वेलफेयर जहां पे गवर्नमेंट को बेसिकली कुछ करना पड़े सोसाइटी के लिए दैट वुड बी ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट को एक आर्टिकल 43 ए में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट स्टेट द वर्ड स्टेट मैं यूजुअली स्टेट के साथ वर्ड गवर्नमेंट यूज कर देता हूँ स्टेट एक्चुअली है अब स्टेट खुद आके कुछ नहीं करता है एक्चुअली में तो गवर्नमेंट या फिर या फिर पार्लियामेंट करता है यूज दिस वर्ड टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर दार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड एंड टू इंप्रूव दब्लिक हेल्थ आर्टिकल फोर्टी ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं दीज आर्टिकल्स बेसिकली आर दी सोशलिस्टिक बी अब मैं पहले से फिर से याद दिलाता हूँ जो भी बच्चे इस समय बैठे हुए हैं लाइव मेरे सामने देखो क्या है सिस्टम बेटा यही है इतना ही है ये चैप्टर खोलना है और आर्टिकल 43 ए पढ़ लेना है और उसमें कोई डिबेट और कोई ज्यादा संभावनाएं नहीं है उसके अंदर सिंपल ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए टू सिक्योर दी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज और फिर अब नोटिस करोगे कि

कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1950 में ऐड था 1992 में और 1993 में जाके हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दिया इसी डी के चलते देन प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन द रूरल एरियाज आर्टिकल 43 अब गवर्नमेंट प्रमोट करती है कॉटेज इंडस्ट्रीज को एंड देन प्रमोट द कोऑपरेटिव्स मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल नंबर 43 बी ठीक है, so, ये uh, है। ये ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज किसके? गांधी से एसोसिएटेड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर्टिकल नंबर फोर्टी सिक्स टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ देखो ड्रग्स को बैन करना तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ बैन करने भी चाहिए प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ ड्रग्स एक्सेप्ट फ्यू ड्रग्स वी शुड नॉट ड्रग्स वी शुड बैन शुड वी शुड नॉट मतलब वी शुड नॉट अलाउ also. बट consumption ऑफ intoxicating ड्रिंक्स को ही बैन कर देना I've always had a problem with, the DPS, the, with this DPS piece. I'll tell you why. The reason being, I keep on imagining that among us, some guy or girl, kisi, no kisi din, IES, IPS, exam clear, karenge. all I'm saying is that how are you going to celebrate on that day? Okay, fine. You don't consume intoxicating drinks. I give you, I, I, give, I, I respect you for that. Okay, but what about your friends? How are you going to make them celebrate with you? now, Gandhiji ji came respect karta. Hun. so gandhi was 100% right when he said that ki, we should prohibit the consumption of the intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. but then jawaharlal nehru ji, he used to consume some intoxicating drinks. now, i don't know. i'm just assuming that ki, mahatma gandhi was a big supporter of uh, prohibition of

ज बेसिकली प्रोहिबिटेड बिकॉज दैट इज दैंड ऑफ द महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी का जन्म कहा हुआ था पोरबंदर गुजरात में प्रिसाइसली एंड देर आर सर्टन लिबरल इंटलेक्चुअल प्रिंसिपल्स सिंपल है लिबरल इंटलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आर्टिकल फोर ऑल सिटीजन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री फॉर द पीपल हु डू नॉट नो देश के अंदर जो क्रिमिनल लॉज है वो सबके लिए कॉमन है

So the Constitution says that the government shall try, if possible, there shall be a uniform civil code, as there is a uniform criminal code. Similarly, parallelly, there shall be a uniform civil code too. But this D.P.S.P. is non-justiciable; hence, it has not been implemented yet, and it, nobody can compel anybody to do it. हा राइट नाउ आई थिंक आपने रिसेंटली कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज या फिर कुछ न्यूज सुनी होगी वेयर द गवर्नमेंट माइट एक्चुअली हैव स्टार्टेड द डिस्कशन कि पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये एक्चुअली में डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है आर्टिकल टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड द एजुकेशन इसके बारे में मैं चलो अभी बता देता हूं पहले आर्टिकल नंबर 45 एक डीपीएसपी था और इसके अंदर लिखा हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए स्टेट को बट देन इन दी टू थाउजेंड टू एटी सिक्स छियासी एटी उसमें क्या किया गया उसमें इस DPSP को बना इसको एक फंडामेंटल राइट right में कन्वर्ट कर दिया सो so, से चौदह साल के बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन अब एक फंडामेंटल राइट right है सो so, ये खाली हो गया था पूरा का पूरा तो यहां पर छ से नीचे के लिए लिख दिया गया कि अब छे साल से नीचे के बच्चे की एजुकेशन और उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर की रिस्पांसिबिलिटी स्टेट को लेनी चाहिए सो नाउ रिमेंबर जस्ट वेरी सिंपल न्यू कि जीरो से छ साल के बच्चे की जो एजुकेशन है दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट चौदह साल से ऊपर के जो बच्चे की एजुकेशन है वो भी फंडामेंटल राइट right नहीं है छ से चौदह साल के बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है अब दैट इज अ फंडामेंटल राइट ये बात ध्यान रखेंगे आप ठीक है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन दी मॉडर्न एंड दी साइंटिफिक लाइन्स जैसी मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स की बात आ जाए तो बेसिकली लिबरल और इंटेलेक्चुअल हो जाएगा फॉरेस्ट uh, को वाइल्ड लाइफ को सेफ कीजिए फोर्टी ए प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स इंटरेस्ट के लिए फोर्टी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करेंगे आर्टिकल फिफ्टी एंड इंटरनेशनल पीस बना के रखनी चाहिए स्टेट को यह है हमारा आर्टिकल नंबर फिफ्टी वेरी सिंपल आर्टिकल कोई वाला नहीं है आर्टिकल फिफ्टी

जो डीपीएस थे वो थे टोटल सेवन वो अमेंडमेंट से ऐड हुए हमने कर लिए हैं अभी लेकिन अभी, अभी वैसे बस ध्यान से एक नई क्लास ध्यान रखने के लिए तो पहले आर्टिक फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट था मतलब कि 1950 से लेके 1976 तक तो कोई भी डीपीएस में कोई चेंज नहीं हुआ

आर्टिकल 39 ए ऐड कर दिया था टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड टू द पुअर काफी अच्छा है ये तो मैं इसके मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है ये वाला क्या नाम है डीपीएसपी जो है फ्री लीगल एड टू द पुअर वाला बहुत अच्छा है ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर्टिकल नंबर फोर्टी ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल था मैंने बताया ना कि पहले तीस साल से चालीस साल तक सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंट थे हम और जो ये डेकेड था 1970 से लेकर 1980 का तो इसमें तो हम और यूएसएसआर के साथ इंक्लाइन हो गए थे एसोसिएट हो गए थे राइट उस समय हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था तो जो ये वेस्टर्न कंट्रीज थी अमेरिकन कंट्रीज़ थी ये हमने उस समय काफ़ी एंटाइ इंडिया हो रखे थे तो उस समय सपोर्ट कौन करते थे हमको हमको यूएसएसआर सपोर्ट करते थे और हमारी जो इकॉनमी थी उसके अंदर एक इंक्लिनेशन था सोशलिज्म की तरफ सॉर्ट ऑफ राइट मिक्सड इकोनॉमी तो 1991 के बाद बनना स्टार्ट हुई है तो so, हम क्लोजर रिलेशन में चले गए थे तो उस समय हमारी जो पॉलिटिक्स हैं उनके अंदर सोशलिस्टिक आइडियाज का बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट या ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था सो so, हेंस ये वर्कर्स का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में प्रमोट करना आर्टिकल फोर्टी भी ए में एड कर दिया गया एंड देन आर्टिकल फोर्टी ए टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव दिनवायरमेंट एंड टू सेव गार्ड फॉरेस्ट एंड लाइफ जितनी भी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो मूवमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की वो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है यू वुड रियलाइज कि इन सब का जो जेनेसिस है वो 1960 से 1980 के बीच में हुआ है यू वुड ऑल्सो रियलाइज जब आप स्टडी करेंगे एनवायरमेंट में कि हमारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के स्टेप्स हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया या वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया ये भी 1970 से लेकर 1980 के बीच में इनिशिएट हुए थे मतलब दैट वॉज अ टाइम जब एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस थी वो बेसिकली गेन कर रही थी राइज uh, कर रही थी हेंस ये दोनों के दोनों टाइम की रिफ्लेक्शन है टाइम की रिफ्लेक्शन इंडिया के उस समय के टाइम की कि हम पॉलिटिक्स में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे और उसके बाद दो और बता देता हूँ ये, ये, ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया ठीक है फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ने एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया विच रिक्वायर स्टेट्स टू मिनिमाइज इक्वालिटी इन इनकम स्टैटस फैसिलिटी एन दर्चुनिटी जो कि आर्टिकल नंबर थर्टी एट में एड किया गया है फिर उसके बाद कई सालों तक कुछ चेंज नहीं हुआ दो हजार दो में आर्टिकल फोर्टी फाइव जो था उसको तो हमने एग्जैक्ट उसमें जो वर्डिंग थी ना छे से चौदह साल के बच्चों को एजुकेशन देनी है वो एग्जैक्ट उसको तो हमने फंडामेंटल राइट right कर दिया तो ये बढ़ गया खा लिया बिल्कुल तो यहां पे छ से साल के बिलो के लिए सो आर्टिकल फोर्टी फाइव वॉज एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गई आर्टिकल ट्वेंटी वन ए के अंदर और जो अमेंडेड डायरेक्टिव था स्टेट को कर दिया हमने मतलब नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया अमेंड करके स्टेट अर्ली चाइल्ड हुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ सिक्स ईयर्स अब स्टेट क्या करती है कि छह साल से नीचे के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करती है जितनी उसकी कैपेसिटी में हो पर हम कोर्ट नहीं जा सकते अगर उनसे मिस हो जाए तो गलती से गलती से मिस हो जाए तो एंड दाइनटी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इन्होंने एड किया आर्टिकल 43 बी एट नहीं है बी आर्टिकल 43 बी जो है वॉलेंट्री फॉर्मेशन कोऑपरेटिव बॉडी से रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है दैट इज इट बस इतना ही हमारा ये छोटा सा डीपीएसपीज है दैट इज इट सवाल ये है कि ये जितने भी हमारे डीपीएसपीज हैं इनके पीछे सैंक्शन कहाँ से आता है अह ये मतलब कुछ पढ़ने-बढ़ने की जरूरत नहीं है इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि देखो नॉन जस्टिशिएबल हैं तो इनकी वैल्यू क्या हुई वेल well, इसके ऊपर सैंक्शंस आता है पॉलिटिकली एज दिशियस एक्चुअली से अगर uh, जो स्टेट है या जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन डीपीएसपी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आउट इन द इलेक्स एंड इज वाई द डी पी एस पी गेट सेंक्शन फ्रॉम द पीपल ये बात है बेसिकली जो कि हमारे इस पैराग्राफ के अंदर लिखी गई है बी एन राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स की जो राइट right दो भागों में डिवाइड कर दो लॉजिकली एक जस्टिशियबल और एक नॉन जस्टिशियबल द आइडिया इज वेरी सिंपल देखो कुछ चीजें तो हम इमीजिएटली कर सकते हैं और कुछ चीजें बेसिकली करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है एंड आई यू कैन इमेजिन इट बाई अंपल एनोलॉजी से कि इफ यू आर पेरेंटो इफ यू आर अ पेरेंट इफ़ यू आर नॉट राइट नाउ वन डे यू विल बी इफ यू आर अ पेरेंट एंड इफ़ यू हैव अ किड तो उसकी ना दो प्रकार की डिमांड्स हो सकती हैं एक जो कि कंपलसरी पूरी करनी है एक जो कि इफ पॉसिबल पूरी करनी है सो so उसको स्कूल जाना है और स्कूल बुक्स और बैग चाहिए ये कंपल्सरी है राइट right? ये तो चाहिए ही चाहिए और उसको आईफोन चाहिए या आईपैड चाहिए ये अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम दे सकते हैं अगर नहीं होंगे तो विल प्रोबेबली बाय अ चीपर फोन फॉर फॉर द द पर्सन किड राइट सिमिलरली राव जो इंडिविजुअल्स के इनको दो भागों में बांट दो एक तो जो हमारे कैपेसिटी है देने की वो तो दे दो इमिजिएटली एंड देन जो राइट्स एक्चुअली में और देने चाहिए पर हमारी कैपेसिटी अभी देने की नहीं है उनको लिख तो दो कम से कम दैट इज वॉट हैपेंड कि फंडामेंटल राइट्स थे पार्ट थ्री में ये वो वाले राइट्स हैं जो कि बेसिकली कंपलसरी कर दिए इमिजिएटली जस्टिशियेबल एंड देन पार्ट फोर के अंदर बेसिकली सिटीजन्स के वो वाले राइट्स हैं जो कि हैं उनके राइट्स बट टेक्निकली कंपल्सरी नहीं कर पाए हैं बिकॉज दे डिपेंड कि गवर्नमेंट के पास कितने पैसे हैं कितने रिसोर्सेज हैं उनको पूरा करने के लिए दे आर नॉन जस्टिशियबल दे आर फंडामेंटल इन दी गवर्नेस ऑफ दंट्री और यूजली इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अपलाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉज तो दे इंपोज अ मॉरल ऑब्लीगेशन नॉट अ लीगल फंडामेंटल राइट आर लीगल ऑब्लीगेशन बट द डी पी एस पी आर बेसिकली अ मॉरल ऑब्लीगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर देअर एप्लीकेशन सो इनके पीछे जो सैंक्शन है जो फोर्स है वो है पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन का पॉलिटिकल लॉ से नहीं है लीगल नहीं है पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल इनके ऊपर है यहीर कहता है कहता कि नो मिनिस्ट्री टू टू पीपल कैन अफोर्ड लाई हार्टेडली इग्नोर द इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अंबेडकर भी कहते हैं ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो कि पॉपुलर वोट के ऊपर डिपेंड करती है वो डीपीएसपी को इग्नोर कर ही नहीं सकती है कोई भी इग्नोर करेगी तो बेसिकली इंडिविजुअल्स वुड भी क्वेश्चनेबल इन कोर्ट ऑफ द पीपल कोट ऑफ द लॉ लोगों की पीपल में सो या अब लॉजिकली देखो ये तो अगर तुम खुद जज कर लोगे इस चीज को कॉमन वाली बात है इमेजिन मतलब योर फादर पेड द फीस फॉर योर स्कूल एंड द कॉलेजे आपके पिताजी है आपके पेरेंट्स है आपकी फीस दी स्कूल की या कॉलेजेस की ठाईक जितना कैपेसिटी था उतने हिसाब से वो स्कूल की फीस तो दे देते दे थे, थे। बट आपके लिए जब आप अट्ठारह या बीस साल के लिए आपके लिए बीएमडब्ल्यू तो नहीं खरीदी या खरीदी

तो so, जब 1950 में स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो कंट्री के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हर छे से चौदह साल के बच्चों को एक्चुअली में एलिमेंट्री एजुकेशन दे दे बाय द ईयर 2000 वी फिगर्ड कि नाउ वी हैव द सो लेट्स डू इट तो हमने उसको फंडामेंटल राइट right बना दिया एंड सो ऑन एंड ऑन वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस वुड स्टैंड इन द वे ऑफ दफर इंप्लीमेंटेशन कई जगह पे जैसे कुछ ऐसे ना पोलिटिकली सेंसिटिव भी है जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 1950 में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते तो हमारे देश में डाइवर्सिटी इतनी थी कि वुड नॉट हैव बीन एक्चुअली वेरी मच इजीली पॉसिबल द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडिया प्री कई सारे प्री थे तो हम बर्डन पर लखना नहीं चाहते थे हमने सोचा कि टाइम आने दो समय आने दो पैसे होने दो रिसोर्सेज होने दो वी विल एक्चुअली डू इट सो थोड़ा सा प्रेगमेटिक व्यू uh, रखा था एंड एनहेंस इनको लीगली एनफोर्सिएबल नहीं बनाया गया दे बिलीव कि पब्लिक ओपिनियन जो होगा वो इनको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करा देगा विच they were correct about almost every D.P.S.P has a corresponding law to it हर एक डीपीएसपी से रिलेटेड लॉ एग्जिस्ट करता है एक दो छोटा मोटी छोड़ दो जैसे कि एक तो आ, आर्टिकल 44 वाला छोड़ देते हैं ठीक है ठीका? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो आउट एंड राइट हमें पता है उससे रिलेटेड कुछ है नहीं ठीक है दूसरा 39 नाइन बी और सी जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं अब वो सोशलिज्म ना एज एन आइडियोलॉजी ही मोरलेस साइड uh, हो गई है अबैंडन हो गई है इसके अलावा और 38 भी सोशलिज्म वाली ही है 38 और 39 बी और 39 सी और 44 इसको छोड़ दोगे तो हर डीपीएसपी के ऊपर एक लॉ एग्जिस्ट करता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सो वर काइंड ऑफ राइट कि ठीक है टाइम आने तो हो जाएगा जिस जिसका भी ज, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ठीक है एंड जस्ट इन केस इन अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कुछ कुछ डिस्टिंक्शन कर लेते हैं देखो फंडामेंटल राइट्स होते हैं नेगेटिव अब ये वर्ड नेगेटिव ना मुझे बड़ा अजीब लगता है नेगेटिव थोड़ी ना मतलब वो तो बहुत अच्छी चीज है यार अच्छी चीज को तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो स्टेट की पावर को करटेल करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ना अजीब सा है मतलब टेक्निकली तो फंडामेंटल राइट right कितनी पॉजिटिविटी वाले यू हैटी दिस इज गुड राइट वी वॉन्ट दैट टू है स्टेट इट इज द स्टेट हु कैन नॉट कल्टेल यूर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए तो स्टेट दुखी है इस बात से यह बहुत नेगेटिव है सो so, स्टेट के लिए नेगेटिव होते हैं फंडामेंटल राइट बट स्टेट के लिए पॉजिटिव है डीपीएसपी दे वॉन्ट स्टेट टू डू समिंग स्टेट के पास ऑप्शन है यह करने का यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दूंगा मैं मैं एनवायरमेंट uh, की रक्षा कर दूंगा मैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट uh, करके रखूंगा दैट इज मीन देर देर प्रोडक्टिवली फंडामेंटल राइट आर जस्टिशेबल द डी पी एस पीजियसली नॉन जस्टिशेबल फंडामेंटल राइट का मेन पर्पज क्या है पोलिटिकल इक्वालिटी और पोलिटिकल डेमोक्रेसी को क्रिएट करना राइट यू जस्ट अबॉलिश दी अन टचेबिलिटी

भाई वर्कर्स सोशल लीगल एड एक इंडिविजुअल को लीगल एड नहीं देना पूरे सोसाइटी में जिसको भी जरूरत है उसको देना है सो दे आर वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी सोसाइटीटेरियन और सोशलिस्टिक परपज ज्यादा है इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं बनाना पड़ता ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट है डीपीएसपी भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं पर इनके लिए अलग से एक लॉ बनाना पड़ता है ऑटोमेटिक मतलब बनाए गए हैं सारे के सारे लॉ एंड कोर्ट ऐसा कोई भी लॉ जो कि डीपीएसपी जो कि फंडामेंटल राइट से वायलेट करता हो उसको बेसिकली क्या कहते हैं इमिडिएटली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे डीपीएसपी को वायोलेट अगर कोई लॉ करता हो तो इस बेसिस पर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो पाता है दैट इज इट तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जो लोग जैसे कि आप में से कोई ना कोई इतनी बातें सुनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में समबड़ी माइट एक्चुअली सेट कि सर हे कौन सेट कोई लीगल फोर्स तो है नहीं कहा कि डीपीएसपी सुपर फिल्यूटी सी सर तो कुछ भी लिख दो इट्स अ चेक ऑन अ बैंक पेबल ओनली वेन द ऑफ द बैंक परमिट है ना मैंने आपको दस लाख रुपए का चेक दिया आप बैंक गए लेके एंड बैंक भी लाइक कि मेरे पास जिस दिन दस लाख रुपए होंगे उस दिन दूंगा कभी भी हो सकता चाहे दो साल बाद चाहे दस पंद्रह बीस चालीस मतलब दिज नो टाइम लिमिट तो टू इट कोई लीगल इसके ऊपर कोई कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए था इसको अप्लाई करने का टी टी कृष्ण दे आर अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स

सच कह एक हफ्ता मैं अभी तो इस, इस इस बार तो दो या तीन दिन ही तो है एक तारीख को बनाना दो तारीख को तोड़ देना है. यही डी पी एस पी और टी टी कृष्णमाचारी तो मतलब अथाह क्रोधित है भाई क्या बोला क्या देखो दे आर ए वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट मतलब इतना ज्यादा वो है कि उसको मतलब वेरिटेबल लिखना पड़ा मतलब ही सेड समथिंग एल्स वेरिटेबल का मतलब चेक करेंगे हम होता है मतलब वेरिटेबल का कोई मतलब भी नहीं है बस ऐसे मतलब स्ट्रेस डालने के लिए है वेरिटेबल डस्टबिन कि एम्फेसिस के लिए लिखा हुआ है दे आर जस्ट पायस एस्पिरेशंस ये है यार तुम्हारा ये मतलब डीपीएसपी एंड देन दे आर इलॉजिकली अरेंज कोई सेंस बनती है कभी सोशलिस्टिक वाला फिर कभी गांधीयन वाला फिर कभी लिबरल मतलब दे हैव लिटरली नॉट थॉट अबाउट इट जो उनके दिमाग में पंद्रह पॉइंट आए उन्होंने लिख डाले रैंडम लिख डाले कुछ भी बिना से मतलब अगर आप अगर यूपीएससी में ऐसा आंसर लिखो जिसमें कहीं पे भी ऊट पटांग पॉइंट ऊपर नीचे हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और ये है कॉन्स्टिट्यूशन देर जैस ए लॉजिकली अरेन्ज कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है मतलब प्लैंड नहीं था ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि यार हमें यह करना चाहिए यह करना चाहिए नहीं लीगल एड दे दो वर्कर्स को मैनेजमेंट लिख दो अबाउट विलेज पंचायत राइट इट फिर पीछे से किसी ने बोल दिया कर स्लॉटर वो भी लिख दो एनवायरमेंट हाँ हाँ एग्जीक्यूटिव वाला लिख रैंडम इलॉजिकली अरेंज द डेक्लेन मिक्सिस अप रिलेटिवली अनइंपॉर्टेंट इशूज विद द वाइटल इकोनॉमिक एंड द सोशल तो कुछ कुछ मतलब है देर इज प्रॉब्लम ठीक है कोई ओल्ड प्रोविजन कुछ साइंस वाले हैं कुछ रीजन वाले हैं कुछ सेंटीमेंट पे बेसिड है कभी कहते हैं कि वो क्या नाम है कुछ देख फॉर एग्जाम्पल लाइक बैनिंग द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स स्लाइटली कंजर्वेटिव इमोशनल इशू एंड देन लाइक कि मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए साइंटिफिक बेसिस पे दिस दिस इ लॉजिकली अरेंज लेट्स लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट लॉजिकल They could have probably given it a slightly more thought and at least have there should have been purpose. DPSP, And then they are conservative. According to Sir Ivor Jennings, they are based on the political philosophy of the 19th century England. Okay. The ghosts of Sidney Webb and the Beatrice Webb stalk through the pages of the text. ये क्या है मैं बताता हूं ये जो सिडनी वेब और जो ये बीट्रिस वेब है ये एक हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे इंग्लैंड में ठीक है इंग्लैंड में आ, समझ लीजिए कि 1890 के समय 1890 के समय अठारह के समय में तो ये हस्बैंड वाइफ है ठीक है हस्बैंड वाइफ इकॉनमिस्ट हैं ये ठीक है क्या है इकॉनमिस्ट और ये इकोनॉमिस्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट आपने एक शब्द सुना होगा फेबियन सोशलिज्म

फेबियन सोशलिज्म जो ये चाहता है कि इकोनॉमिक इकॉनमी जो है वो सोशलिस्ट हो जाए विदाउट वायलेंस स्लोली स्लोली करके धीरे 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 सोशलिज्म हो जाए देश के अंदर बिना वायलेंस के जनरली जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है वो रेवोल्यूशन पे डिपेंडेंट होते हैं और वह वायलेंस से बेसिकली सारी चीजों को बदल के सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इस्टैब्लिश करते हैं फेबियन सोशलिज्म में एक क्या बात है कि वो सोशलिज्म को स्टैब्लिश करवाना चाहते हैं विदाउट दी नॉट यू थिंक अबाउट इट कि जो डीपीएसपीज हैं वो बेसिकली सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं सो दे आर सेइंग कि यहां पर जो ये सिडनी वेब और बीट्रिस वेब के जो आइडियाज हैं कि बिना वायलेंस के धीरे 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 सोशलिज्म को प्रमोट करा दो वही तो दिख रहे हैं पूरे के पूरे डीपीएसपी में सो कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द सोशलिज्म एक इसका और क्रिटिसिज्म है कि वैसे तो फेबियन सोशलिज्म प्रमोट कर रहा है ये लेकिन इसमें सोशलिज्म भी नहीं है कुछ दे आर डीम टू बी इन द दूटेबल इन इंडिया इन द मिडल ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी तो समय नहीं है मतलब दे आर आउट ऑफ टाइम दे आर आउट ऑफ टाइम देर आर सम आइडियाज जो कि आउट ऑफ टाइम है राजा आप कभी आपने देखा देखो एक समय में राजा लोग अब इमेजिन अकबर इमेजिन अकबर अकबर की ड्रेस को इमेजिन करो और ऐसे वो कुछ ऐसे दुपट्टा लेके जो ऐसे वाइब करते हुए चलता था राइट right? वाइब करता था जूती वूती पहन के वाइब करते हुए चलता था इमेजिन करो दैट ड्रेस एम्पर पहना करता था बट अगर तुम अभी पहन के चलोगे डोट टाइम exactly so the चला गया इनका यार दिस इज इंपॉर्टेंट बाकी सब तो ऐसे मजाक में था कि डी पी एस पीज है ना एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा सकते हैं वाई डिन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक्चुअली थॉट अबाउट इट की जो डीपीएसपीज हैं वो कॉन्फ्लिक क्रिएट करा सकते हैं किसके बीच में सेंटर और स्टेट के बीच में प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट के बीच में एंड सिमिलरली चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में विच मीनस लॉजिकल देखो डीपीएसपी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंप्लीमेंट करनी चाहिए ठीक है इंप्लीमेंट करनी चाहिए नॉफ सेंटर कैन यूज डी पी एस पी टू प्रेशर स्टेट टू इंप्लीमेंट दैम और जब वो इंस्ट्रक्शन जाएगी स्टेट को तो स्टेट टूड बिफोर्स टू डू इट अकॉर्डिंग टू हिम सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट विद रिगार्ड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ दि प्रिंसिपल और अगर स्टेट नहीं कर पाती है तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देगी स्टेट सेंटर इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट सपोज करो वेन द प्राइम मिनिस्टर गेट्स अ बिल ठीक है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वायोलेट करता हो पास बाय द पार्लियामेंट ठीक है प्राइम मिनिस्टर पर्सन जो कि पार्लियामेंट में है वो गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया अब वो जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहा है अलाउड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिबल है अगर कोई ऐसा बिल है वो वायलेट कर सकता है बट प्रेजिडेंट के पास जब वो बिल जाएगा प्रेजिडेंट कैन एक्चुअली रिफ्यूज टू साइन इट बाई सेटिंग डीपीएसपी यहां पर प्रेजिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी सही था और यहां पर जो प्रेजिडेंट है वो भी सही है दोनों के दोनों सहयोग हेंस दे क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट नेचर ऑफ डीपीएसपी है डीपीएसपी की नेचर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा करवा रहा है या करवा सकता है होता नहीं है बट करवा सकता है प्राइम मिनिस्टर बिल पास करा सकते हैं जो कि डीपीएसपी को वायलेट करे लीगल अलाउड है करवा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप हिम इट्स अलाउड बट देन सेम बिल कैन एक्चुअली बी नॉट साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस कि इट वायट्स द डीपीएसपी हेंस आई विल नॉट साइन इट

देखो क्रिटिसिज्म तो होता ही हर चीज का वैलिड होती है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है मतलब एक्सेप्ट मी यू कैन ऑब्वियसली क्रिटिसाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम ऑब्वियसली ऑल होलिस्टिकली लव बट डीपीएसपी के कॉन्टेक्स में बात करें एल एम सिंह भी कहते हैं और डिप्लोमेट है दे आर लाइफ गिविंग प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशंस सोशल जस्टिस का सामाजिक न्याय का कोई सेक्शन ना होना कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बुक हो जाएगी जस्ट बेसिक रूल्स हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन शुड रन इट वुड लिटरली हैव नो लाइफ लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर किसी और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि प्राइम मिनिस्टर को चुनना कैसे है और पार्लियामेंट में वोटिंग कैसे होगी और इलेक्शन कमीशन में की इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हों लाइक कंप्लीटली नीरस What about the social justice? There has to be something in the constitution that gives it actual life. That social justice, that vision, that purpose, that utopia of the society, that is given by the DPSPs. We, we, are, we are sure, okay, they are illogically arranged, which is fine, okay, but they still mean something, right? What is the problem with the illogicality of their arrangement? Every of that DPSP does try to attain something in context of the social justice. Do they or not? They do. If all these principles are fully carried out, our country would indeed be heaven on the earth. अब यहाँ पे हमारे जो justice हैं India के, वो थोड़े से भावनाओं में बह गए। But you get the spirit, you get the drift, right? वैसे तो वो कह रहे हैं हमारे क्या नाम है चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया? एम सी चांगला फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि अगर डीपीएसपी को बेसिकली कैरी आउट कर दे सबको तो हमारा जो देश है इंडियड वुड बी है अर्थ इंडिया वुड देन बी नॉट ओनली डेमोक्रेसी इन द पोलिटिकल सेंस बट ऑल्सो ए वेलफेयर स्टेट लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन देखो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चांगला अंकल थोड़े सब है गए थे इमोशंस में और मतलब हैवन वेवन तक चले गए थे बट इफ यूल गाड़ अबाउट इट इट डज मेक सेंस

कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव कर पाएंगे बट द एक्चुअल चैलेंज इज टू अचीव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इट इज अ वैल्यू वर्थ फाइटिंग फॉर ग्रैंड विल ऑस्टिन ने कहा कि सोशल रेवोल्यूशन के अचीवमेंट के गोल्स वोल्स को करना दे आर इंटेंडेड एज द मॉरल प्रिसेप्ट ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट दे हैव एन एजुकेटिव वैल्यू आर नहीं है राव है ठीक है एम सी सेतलवाद कहते हैं कि द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स दो नो लीगल राइट्स क्रिएट नो लीगल रेटीज बट दे आर सिग्निफिकेंट दे आर ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरल रेकमेंडेशन हैं जो कि हम इंडियन यूनियन को एड्रेस करते हैं तो हमारा पार्लियामेंट और हमारी गवर्नमेंट इन रेकमेंडेशन को दिमाग में ध्यान रख के हमारे देश की पॉलिसी डिसाइड करती है देव सर्व एज देव सर्वड एज अजफुल बीकन लाइट्स टू द कोर्ट दे आर नॉन जस्टिशियेबल येस बट कोर्ट्स कैन यूज दैम जज दी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉस कोर्ट सोच सकती है उनके बारे में कोर्ट उनको यूज भी कर सकती है किसी भी लॉ की वैल्यू को जज करने में ग्रेट दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शन लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव एम्पलीफाई दी एम्बल ठीक है द डायरेक्टिव ऑल्सो प्लेस फॉलोइंग रूल्स दे फेसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स दे आर इंटेंडेड टू द फिल द वैक्यूम जो फंडामेंटल राइट्स चीजें कंप्लीट नहीं कर पा रही वो बेसिकली हमारे डी पी करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक फेवरेबल एटमोसफियर बनाते हैं ठीक है बहुत सारे है, बहुत ज्यादा हो गई मैं तो चार सोच रहा था आई वॉज होपिंग कि चार पांच क्रिटिसिज्म थे तो चार पांच वैल्यू हो जाएगी तो ठीक है बट यहाँ पे तो लोग इमोशनली हो गए मतलब इधर आई थिंक फोर आर इनफ लेट्स बी ऑनेस्ट स्टर की जितनी खुशी हमने जितनी हमने प्रशंसा कर दी है इतनी इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहे हैं मेरे को तो देखो सीधी सीधी सी दिसी दिसी बात है मतलब अब बोलने लगे तो इन्होंने पॉइंट लिख डाले चार क्रिटिसिज्म थे तो चार अगर सपोर्ट में पॉइंट दे देते तो मेरे हिसाब से आंसर पूरा हो जाता और हम भी मान लेते लेकिन अब ये मतलब नाउ दे हैव क्रॉस द पाथ अब इन्होंने इतने लिख दिए कि अब हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं डीपीएसपी आई डोंट बिलीव इट एनी टिल दिस यहां तक

देखो आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन बी और आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन सी ये दो आर्टिकल हैं और फंडामेंटल राइट फोर्टीन और फंडामेंटल राइट नाइनटीन ये दो फंडामेंटल राइट हैं जिनके बीच में जनरली कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ होता है ऐसा नहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ डीपीएसपी का कोई कॉन्फ्लिक्ट है कोई नहीं है वेल यूनिफॉर्म सिविल कोड का होगा उसके साथ <laughs> तो अभी तक नहीं है बट हां यूनिफॉर्म सिविल कोड का होगा मतलब कि अलग अलग से अलग अलग हो सकता है अब जैसे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है एनवायरमेंट है उससे बेसिकली जरूरी नहीं है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट हो ठीक है लेकिन थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी जो डी पी एस पी है इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो दो चीजों पर प्रॉब्लम आ सकती है एक तो इक्वेलिटी और दूसरी फ्रीडम

और इसको बेसिकली याद कर लेना आपका पूरा का पूरा ये जो हम जो आगे चैप्टर करने वाले हैं वो हो जाएगा चंपाकम दोन गोलकनाथ केस ट्वेंटी फोर्थ एंड ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट केशवनंद भारती केस फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट एंड दिनरवा मिल केस चंपाकम दोराइ केस मैंने ये बेसिकली वो क्रोनोलॉजी है जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करती है एक एक करके हम इसको सारे के सारे करते हैं ठीक है आइए सबसे पहले क्या हुआ चंपाकम दोराइ राजन केस उन्नीस में जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लैरिटी से कि फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट और डीपीएसपी उसके सब ऑर्डिनेट हैं मतलब इन दोनों में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है तो उनको प्राइमेसी मिलेगी और डीपीएसपी कैंसिल कर दिए जाएंगे बेसिक आइडिया आगे उन्नीस सौ में नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट सेज फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फंडामेंटल राइट जीत जाएंगे एनी कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट द फॉर्मर कि फंडामेंटल राइट करेंगे मतलब को करना पड़ेगा से. लेकिन एक और बात है, यहां पर चंपा क्या चंपकम दुराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड जरूरत पड़ने पर इट सेड दैट द फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड बाई पार्लियामेंट बाई इन एक्टिंग में जब को मौका मिला कि कर सकते हैं तो इंप्लीमेंट करने के लिए लेकिन यह सिचुएशन में एक और इंपॉर्टेंट चेंज आया गोलकनाथ केस के अंदर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किए जा सकते देखो हमें फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करना है नाउ दिस वाज अ केस जो कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया अब बात क्या है कि 1951 में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट सॉरी क्या कहते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया ना तो उस समय जो गवर्नमेंट थी जो पार्लियामेंट था वो क्या कोशिश करता है वो कुछ सोशलिस्टिक एक्शंस लेने की कोशिश करता है उन्होंने पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉमिस किए थी कि बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके बेसिकली गरीबों में बाढ़ दी जाएगी नाउ रिमेंबर हाउ दिस प्रॉब्लम व्हाट द प्रॉब्लम विल क्रिएट देखो जमींदारों की जमीन लेके हमें लैंड रिफॉर्म्स करने हैं जब भी हम लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई लॉ बनाएंगे ना तो लैंड रिफॉर्म के लिए लॉ बनाना किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगा एंड याद रखो कि उन्नीस में राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट तो ये पहली प्रॉब्लम आई कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो उस समय पॉलिटी थी वो लॉ बनाती थी लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई भी लॉ था वो चैलेंज हो जाता था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ये तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट भी लाइक कि हाँ वायलेट कर रहा है कैंसिल करो इस लॉ को सो चंपाकम दुराई राजन केस में ऐसा ही कुछ केस चल रहा है फंडामेंटल राइट्स और डी पी वायलेट हो गए गवर्नमेंट ने बोला होगा कि मैं ये डी को इम्पलीमेंट कर रहा हूँ ठीक है एंड जो बंदा केस लेके आया होगा वो बोला होगा कि इससे मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है ठीक है तो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुनो फंडामेंटल डामेंटल सुपीरियर डीपीएसपी उसको वायोलेट नहीं कर सकते so, अगर ये दोनों क्लैश करते हैं तो फंडामेंटल राइट right जीतेगा और डीपीएसपी को कंफर्म करना पड़ेगा ठीक Clarity है क्लैरिटी है यहां पे फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन डीपीएसपी ग्रेट बट यहां पे इन्होंने एक और दे दिया यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही गवर्नमेंट को रास्ता निकाल दिया भार का कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड करे जा सकते हैं Why? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 में सिस्टम दे रखा है क्या कहते हैं अमेंडमेंट अमेंडमेंट का का तो तो दे रखा तो इसका so, है इसका मतलब शायद फंडामेंटल गवर्नमेंट को जब भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना था जाके कर थी सिंपल खेम हो गया अब लेकिन मुद्दा बदला उन्नीस में गोलकनाथ केस के साथ 1967 में. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ना अपनी पुरानी जजमेंट बदल दी पुरानी जजमेंट बदल दी एंड सेड कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड दे आर सेक्रोसेंट फंडामेंटल राइट्स वर्ल्ड की इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको टच नहीं किया जा सकता लेजिस्लेचर के द्वारा दे कैन नॉट बी अमेंडेड फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट गवर्नमेंट के हाथ में वो कुछ नहीं बचा फंडामेंटल राइट right बदल नहीं सकते फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से सुपीरियर है दैट इज इट तुम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते रहो लेकिन फंडामेंटल राइट right को वायलेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट ने इस चीज को चेंज करने के लिए दो अमेंडमेंट पास किया ट्वेंटी और ट्वेंटी जिसका क्रक्स ये है कि दे इंक्लूडेड सर्टेन प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते थे सो so, गोलकनाथ केस में उन्होंने कहा कि सेक्रोसेंट है भाई फंडामेंटल राइट right. उनको चेंज नहीं किया जा सकता ठीक है बिल्कुल नहीं चेंज किया जा सकता सो पार्लियामेंट ने क्या किया पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जो कि गोलकनाथ केस में जजमेंट थी बाय इनैक्टिंग दी ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट और ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है इसने कहा कि पार्लियामेंट हैज दी पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ट्वेंटी आर्टिकल में ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट ने आर्टिकल नंबर थर्टी वन सी एड कर दिया जिसके अंदर दो प्रोविजन थे क्या हुआ कैन अमेन फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में जाके ही लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है और उसके बाद एक आर्टिकल नंबर सी भी ऐड किया और इसमें दो प्रोविजन ऐड कर दिए दो कौन कौन से प्रोविजन एड किया नो लॉ विच सीक्स टू इंप्लीमेंट थर्टी बी और सी कैन बी चैलेंज अगर वो आर्टिकल फोर्टीन और नाइनटीन को वायलेट करता है दूसरा नो लॉ कंटेनिंग कि ये लॉ थर्टी नाइन बी और सी को वायलेट करता है उसको चैलेंज नहीं कर सकते इफेक्ट क्वेश्चन और इन दोनों को समझो सी में दो पॉइंट लिखे हुए पहला थर्टी नाइन बी और सी को इम्प्लीमेंट करेगा कोई लॉ और अगर वो लॉ आर्टिकल फोर्टीन और नाइनटीन को वायलेट करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित ना किया जाए डन दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जिस लॉ को हम बोल रहे हैं कि आर्टिकल थर्टी नाइन बी को बी और सी को इंप्लीमेंट कर रहा है इस बात पर ही क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि क्या वो सच में कर रहा है मतलब कि मैं किसी भी लॉ पे अगर ये लिख दू ना कि थर्टी नाइन बी और सी को इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो तुमको मानना पड़ेगा तुम चैलेंज नहीं कर सकते उसको ये लिखा ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उन्होंने बोला कि ये तो चलो ठीक है ये मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी को इंप्लीमेंट करते हो और आर्टिकल फोर्टीन और नाइनटीन वायलेट होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे ठीक है इतना अलाउड है सोशल समाज के लिए सामाजिक न्याय के लिए इतना ठीक है इक्वालिटी कभी कभी कुछ लोगों को अनइक्वल ट्रीट करना पड़ता है सामाजिक न्याय के लिए कभी कभी कुछ फ्रीडम को करटेल करना पड़ता है सामाजिक न्याय के लिए वी वी आर यू फाइन पर क्या क्या बात इस बात है इस का क्या मतलब हुआ बकवास तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया तो आर्टिकल नंबर थर्टी वन सी में यह लिखा हुआ है अभी भी ये वैलिड है ये काट दिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं चलेगा हम लॉ देखेंगे अगर लॉ सच में ही बी और सी को इंप्लीमेंट कर रहा है तो ठीक है तो हम अलाउ कर देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ऐसे नहीं कि तुम जिसको कहोगे हम उसको मान लेंगे रिव्यू हो सकता है चेक थर्टी नाइन बी और सी को इंप्लीमेंट कर, कर रहा है कर कर रहा रहा है होगा तो वी आर अलाउविंग इट सो केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर की जो दूसरे वाला पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये इनवैलिड है भाई इसको हटा दो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये वाला वैलिड है इसको छोड़ देते हैं फाइन दैट इज अलाउड द जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर तो उसको हटा नहीं सकते हो हाँ, बट जो पहला प्रोविजन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड होल्ड कर दिया गया फिर सुप्रीम अब पार्लियामेंट फिर दोबारा से पार्लियामेंट ने 1976 में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट पास किया अब उन्होंने कहा कि 31 सी में सिर्फ ये दो नहीं बोलते कि कोई भी डीपीएसपी जो डीपीएसपी हो उसको इंप्लीमेंट करे वो चैलेंजेबल नहीं हो जाएगा वेल नेवर फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट ने टेक्निकली स्पीकिंग लीगल प्राइमेसी दे दी सुप्रेमेसी दे दी डी पी एस पी फंडामेंटल राइट से ऊपर है ना चैलेंज नहीं हो सकते पर थैंक गॉड ये एक्सटेंशन थी इट वॉज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड बाई दिन मिल केस इट मीनस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वंस अगेन मेड सब ऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट पर फंडामेंटल राइट बाय आर्टिकल फोर्टीन एंड नाइनटीन वर्सऑर्डिनेट टू थर्टी नाइन बी एन सी और आर्टिकल थर्टी वन को बेसिकली डिलीट कर दिया था आई रिपीट अगर समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूं देखो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के चंपाकोराजन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर डीपीएस डीपीएसपी आर सब ऑर्डिनेट अगर ये दोनों में क्लैश होगा तो ये जीतेंगे फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी को कंफर्म करना पड़ेगा जो फंडामेंटल राइट right कह रहा होगा लेकिन इन्होंने ये भी अलाउ किया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही कर दो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन अमेंड इट देन दे पार्लियामेंट डिड इट पार्लियामेंट फिर करने लग गया फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये सब के सब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए थे और ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया करते थे कर दिया लेकिन जो ये सेवनटीन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ ये चैलेंज कर दिया गया गोलकनाथ केस में और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराने वाला जजमेंट बदल दिया दे सेट की नो होल्ड ऑन फॉर सेक फंडामेंटल राइट्स को मत अमेंड करो आर करो, इंपॉर्टेंट तो इस, इस में फंडामेंटल राइट सुपीरियर हो गए डीपीएसपी ऑफिशियल इन्फीरियर हो गए कि चेंज ही नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट right को खत्म सो गवर्नमेंट पार्लियामेंट सॉरी नॉट गवर्नमेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट ने ट्वेंटी और ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट पास किया ट्वेंटी में आर्टिकल नंबर हमने फंडामेंटल पॉइंट right में डिस्कस पर हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदल सकते हैं आर्टिकल थर्टीन पॉइंट फोर में ऐड कर दिया कि कोई भी अमेंडमेंट जो पार्ट थ्री में हो उसको लॉ मत मानो राइट आर्टिकल ट्वेंटी थर्टी वन सी ऐड कर दिया और थर्टी वन सी में ये लिख दिया कि 39 बी और 39 सी वाले DPSPs को इंप्लीमेंट करते हैं तो आर्टिकल 14 और 19 अगर वॉयलेट होते हैं तो ठीक है अलाउड करो उसको अलाउ करो दैट शेल नॉट बी ये दोनों के दोनों चैलेंज हो गए केशवनंद भारती केस में केशवनंद भारती केस ने मुद्दे सारे सेटल कर दिए थे ठीक है इन्होंने पहले बोला कि ठीक है ये भी अलाउड है ट्वेंटी अमेंडमेंट को भी अलाउ किया इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्वेंटी को भी अलाउ किया कि ये भी अलाउे दो पॉइंट थे थर्टी वन सी में दो में से दूसरे वाले को हटा दिया बोलिए ठीक है थर्टी नाइन बी और सी को इंप्लीमेंट करना है फोर्टी फोर्टीन और नाइन्टीन अगर वॉयलेट हो रहे होंगे तो भी हम उसको अलाउ कर देंगे लेकिन जुडिशियल रिव्यू तो देखो सारे के सारे लॉ ही होंगे ही होंगे एंड देन अमेंडमेंट करने का भी उन्होंने प्रोसेस बता दिया देन फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में फिर से पार्लियामेंट ने पावर करने की कोशिश की और थर्टी वन सी में अमेंडमेंट की और अमेंडमेंट ये थी कि कोई भी डी पी एस पी इम्प्लीमेंट करो तो फोटीन और नाइन ईट वॉय हो तो चैलेंज मत चैलेंज नहीं कर सकते मतलब कि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट अगर परमानेंट रहती तो डीपीएसपी हमेशा के लिए सुपीरियर फंडामेंटल राइट इनफीरियर लेकिन इस चीज को मिनरवा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया बोले कि ऐसे नहीं चलेगा रोज रोज का हो गया तो हमारा चलो बहुत हो गया एंड देन दे सेट गी नो फंडामेंटल राइट्स मतलब डीपीएसपी को इन्होंने वापस सब ऑर्डिनेट कर दिया लेकिन क्योंकि थर्टी वन सी वाला पॉइंट जादू था तो थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी वाले जो डीपीएसपी दे आर सुपीरियर टू आर्टिकल एंडलटीट्यूशन में है यानी कि आर्टिकल फोर्टीन और नाइनटीन वायलेट होते हैं तो वो बेसिकली लीगल माने जाते हैं नॉट अ प्रॉब्लम विद इज इट सो हा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर जज बातों में ऐसी कह दिया उन्होंने कहा कि देखो सुनो दोनों के दोनों ना फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी सब इंपॉर्टेंट है किसी एक को एक दूसरे के ऊपर एब्सोल्यूट प्राइमेसी देने से बेसिकली हारमनी बिगड़ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की और हारमनी बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो अगर कुछ करना है तो पार्लियामेंट को तो ऐसे किया करो प्रेजेंट पोजिशन कि फंडामेंटल राइट एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपीज यस बट इसका ये मतलब नहीं है कि डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट कर सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली चेंज नहीं होना चाहिए और फोर्टीन uh, और नाइनटीन फंडामेंटल राइट आर सब ऑर्डिनेट टू थर्टी नाइन बी एंड थर्टी नाइन सी डीपीएसपी जो है सब ऑर्डिनेट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स अब ये सिर्फ लिस्ट ली हुई है इसका बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है बट यू हैव टू रीड इट मैं बता देता हूं जैसे इसमें क्या है कि जैसे जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अबोलिशन चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट ये क्या है यह डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने वाले लॉज हैं, बॉन्डेड लेबर दे हैव बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर सेक्शंस, ये मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट

लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में पास किया गया था आर्टिकल 39 ए को इंप्लीमेंट करने के लिए सो ऑन एंड ऑन सो ऑन एंड ऑन ठीक है सो ऑन एंड ऑन है ये दैट 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 इज 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 इट इट पढ़ने ही पड़ेंगे बेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. Then, ये तो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ से बाहर कुछ डायरेक्टिव्स हैं कौन कौन से हैं ये वन ये टू और ये थ्री द फर्स्ट वन इज क्लेम्स ऑफ द एस सी एंड एस टी टू द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन मेंटेनेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग टू अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज एक ये हो गया इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए लोकल अथॉरिटी को कि जरूरत पड़ने पर हर एक बच्चे को अपनी मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हूँ एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप कि ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन सके इंडिया के कंपोजिट कल्चर का ये तीन डायरेक्टिव हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर्थ के बाहर हैं दैट इज इट they are again non-justiciable. they are also non-justiciable in nature. however, they are also given equal importance and attention. tomorrow we will do fundamental duties, which, logically speaking, is one of the shortest topic so hopefully we'll just have to spend half an hour studying tomorrow but uh, that actually will give us an opportunity to revise everything else that we have done fundamental duties tomorrow all right see you tomorrow same time six o'clock